हेलो दोस्तों, मैं हूँ कासिम और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा मुंबई की सबसे बड़ी और पुरानी तकरीबन 300 साल पुरानी मस्जिद, और पूरी मस्जिद के नीचे जो है वजू का हौज है, मतलब पानी के ऊपर मस्जिद, और अंदर से भी मस्जिद बहुत बड़ी और खूबसूरत है। दोस्तों, ये यहाँ की इतनी फेमस मस्जिद है कि अरब से लोग यहाँ पर स्पेशल नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और ये भाईजान बता रहे थे कि 13-14 साल में एक बार जो है ये हौज खाली होता है। लॉकडाउन के वक्त जो है ये वजू खाने को खाली किया गया था। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरी मस्जिद भी दिखाऊंगा और यहाँ पर इफ्तारी भी करूंगा और यहाँ की इफ्तार बाजार भी दिखाऊंगा जो कि मस्जिद के बाहर ही है। तो आप वीडियो में बने रहे, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें पूरा नहीं आया था वो। पहली बार मैंने देखी अपनी लाइफ में, पहली दफा ऐसी मस्जिद देखी। हेलो दोस्तों, मैं हूं कासिम और स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, पहले तो आप सभी लोगों को रमजान का 21वां रोजा बहुत बहुत मुबारक। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर। तो यहाँ पर जो है जामा मस्जिद, यहाँ की काफी मशहूर मस्जिद है, मुंबई की काफी बड़ी मशहूर मस्जिद है। तो आज हम वहाँ पर इफ्तारी करेंगे, तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। तो अभी आज थोड़ी सी गर्मी कम है क्योंकि कल मुंबई में बहुत बारिश हुई थी। दोस्तों, रात को तकरीबन एक बजे के करीब जो है बारिश बहुत हुई थी, तो अभी थोड़ी सी गर्मी कम हो चुकी है उसकी वजह से। ये रास्ता जो है जामा मस्जिद को जाता है, और यहाँ पर भी आपको खाने पीने की तरह तरह की चीजें मिल जाएगी। तो रोज़े की वजह से यहाँ पर कुछ लोग लेटे हुए हैं, और मस्जिद आप देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी और शानदार खूबसूरत मस्जिद है। इतनी पुरानी मस्जिद है दोस्तों, ऐसा लगता है कि हम किसी महल के अंदर आ गए हैं। पहले लोगों की टेक्नोलॉजी कितनी हाई एडवांस होती थी दोस्तों, आप सोचे कि पानी के ऊपर ये मस्जिद है, और वहीं हमारे आज की टेक्नोलॉजी देखे तो कुछ कुछ दिनों में ही पुल जो है गिर जाते हैं। और ना इतनी बारीक बारीक चीजों पर इस मस्जिद में काम किया गया है, चाहे आप मीनारे देख लें, या मस्जिद का नीचे ग्राउंड फ्लोर देख लें, हर एक चीज पर छोटी छोटी बारीकियों से काम किया गया है। और लॉकडाउन के वक्त जो है सर्वे किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन के वक्त जो है वजू खाने को खाली किया गया था, तब दोस्तों सर्वे किया गया था। और इतने साल गुजर जाने के बावजूद दोस्तों सर्वे में बहुत ही अच्छे रिपोर्ट आए थे। उन्होंने कहा कि मस्जिद की हालत अभी भी वैसे की वैसी ही है, तो इस मस्जिद में रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन किसी की भी जरूरत नहीं है इतने साल गुजर जाने के बावजूद। और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत वजू खाना है। यहाँ पर आपको गोल्ड फिश, सिल्वर फिश और कछुए और वगैरह वगैरह आपको फिश देखने मिलेगी। और दोस्तों ये तकरीबन 10 फीट गहरा है।
कितना खूबसूरत फर्ज है मस्जिद का माशाल्लाह। और इफ्तार की भी तैयारियां जोरों शोरों में चल रही है। किस्साए गम जो लिखने को बैठे तो देखे कलम की रवानी में आंसू, ये अनमोल तारे ये उल्फत के मोती उन्हें हमने भेजे निशानी में आंसू, उन्हें हम कहानी सुनाने न पाए, उन्हें दाग दिल के दिखाने न पाए, ये आंसू हमारे बड़े काम आए, जुबान बन गए बेजुबानी में आंसू, न समझो के आंसू है गम की कहानी, ये आंसू है उल्फत की पहली निशान, मुकद्दर के कातिब का कितना करम है कि लिखे है मेरी कहानी में आंसू। ये इसमें पूरा नहीं आया था वो कुत्ता बड़ा। जमाने में तकदीर सबकी जुदा है, तुझे कुछ मिला है मुझे कुछ मिला है, उधर है तेरी जिंदगानी में खुशियां, इधर है मेरी जिंदगानी में तुम्हें पिसाए गम जो लिखने को बैठे तो देखे कलम की रवानी में आती।
हमारी इफ्तारी जो है हो चुकी है और दोस्तों मस्जिद ऐसी पहली बार मैंने देखी अपनी लाइफ में, पहली दफ़ा ऐसी मस्जिद देखी। बहुत ही माशाल्लाह मस्जिद थी दोस्तों, और ये मस्जिद तकरीबन 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी, और आपने देखा कितनी शानदार मस्जिद थी। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।